नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट अड्डा वीकेंड स्पेशल में। 2023 खत्म हो रहा है और नए साल के स्वागत के लिए हम लोग हैं। मार्केट में 2023 में एक तूफानी रैली हमने देखी। हर तरफ बाजार में तेज़ी थी। किसी भी सेक्टर को देखिए, स्टॉक्स में आप देखिए, बड़ी तेज़ी बनी। लेकिन जो हमेशा से जिनको बहुत आलोचना की जाती थी कि ये स्टॉक चलते नहीं है, बहुत अंडर वैल्यूड रहते हैं, इस रैली में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, पस्त कर दिया सबको, और वो है सरकारी कंपनियां, PSUs, जो कि बहुत मुश्किल से चलती हैं, हाईली अंडर वैल्यूड है, फिर भी कोई उनको पूछता नहीं था। लेकिन इस बार उन्होंने अपना जो दम दिखाया है वो इतना ज़बरदस्त है कि कोई उनको बीट नहीं कर पाया है। तमाम लोग ये कहते हैं अरे बहुत महंगे हो गए, बहुत चल गए हैं, उसके बावजूद PSUs की रैली रुकी नहीं। तो इस बुल रन के अगर लीडर कोई निकल के आ रहे हैं तो वो PSUs हैं, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और सरकारी कंपनियां। एक अंदाज़ा लगाइए आप कैसे चली हैं इस 2023 में। अगर आप पूरा देखेंगे तो निफ्टी 20% चला, बड़ा इंडेक्स है, सेंसेक्स भी 19% चला, निफ्टी बैंक में 12-13% किया। ये तो बहुत लेट कमर थे बैंक निफ्टी, इसमें रैली बनी। मिड कैप और स्मॉल कैप, एक और सेक्टर इसमें बताएंगे, 46% मिड कैप चला है और 55% स्मॉल कैप। अब इसके बाद जब हम सेक्टर के अंदर जाते हैं तो PSE इंडेक्स, जो पब्लिक सेक्टर का इंडेक्स है, उसने 80% का रिटर्न दिया है, 80%। आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त रैली है। रियल एस्टेट शुरुआत में खूब चला, फिर बीच में रुका, फिर उसने भी गियर अप किया और 80% का रिटर्न उसमें भी आया है। ऑटो में 48% की तेज़ी, फार्मा में 33% की तेज़ी, PSU बैंक इंडेक्स अगर अलग से आप देखें उसमें भी 32% की तेज़ी बनती दिखी। इसी तरीके से IT जो सबसे लैगार्ड माना जाता था उसने भी 24% के रिटर्न दिया है, मेटल में भी 19%, FMCG में 29%। तो ये जो रैली है सरकारी कंपनियों की, PSU की, ये क्यों आई है, ऐसा क्या बदल गया? 10 साल मोदी सरकार को हुए, 10वें साल में, अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं अगले साल, इस साल अचानक से PSU सेक्टर्स में इतनी बड़ी रैली क्यों बनी? क्या कोई स्ट्रक्चरल चेंज हुए थे, या बहुत अंडर वैल्यूड थे लोगों की अब नज़र पड़ी, या सिर्फ लिक्विडिटी इतनी आई सिस्टम में कि जिसको जहां जो मिला वो खरीदने लगा, इसलिए PSU में तेज़ी आई है? क्योंकि 5,000-6,000 स्टॉक लिस्टेड है, उसमें अंडर वैल्यूएशन ढूंढने जाएंगे तो आपको 50 स्टॉक मिलेंगे, लेकिन PSU में ही इतनी दिलचस्पी लोगों की क्यों रही? और ख़ास तौर पे उसमें जब ये बात होती है कि मिड कैप और स्मॉल कैप, बीच में आपको ध्यान होगा एक बड़ा विवाद भी हुआ था, लार्ज कैप वाले लोग गुस्सा हो गए कि अरे भाई ये मिड कैप क्यों चल रहे हैं, इनको चलना नहीं चाहिए, ये तो कमज़ोर है, तो बीच में एक झटका भी आया था। लेकिन उसके बाद रिवेंज बाइंग हुई और मिड कैप स्मॉल कैप ने फिर एक बार तूफानी तेजी दिखाई जो कंटिन्यू है, रुक नहीं रही है। तो इसके कारण क्या है और क्या इस बुल रन की जो चल रहा है लगातार, उसके लीडरशिप में वाकई PSU है और ये कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में देखिए, आपको एक उदाहरण बताता हूँ, अमेरिका का आप जाइए तो आप वहाँ देखेंगे NASDAQ ने 44% की रैली दिखाई है, IT इंडेक्स, हालांकि वो मैग्निफिसेंट 7 टॉप बड़ी 7-8 कंपनियों के दम पे होता है, लेकिन फिर भी बाद में उन्होंने ब्रॉड बेस्ड रैली की। S&P जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है उसने भी 25% की रैली दिखा दी है। लेकिन वहाँ का जो छोटू इंडेक्स है, Russell 2000 जिसको बोलते हैं, उसने भी तूफानी तेजी दिखाई और सारे इंडेक्स को उसने बीट किया है। तो ये सिर्फ भारत का फेनोमेना नहीं था कि छोटे मझोले शेयरों में तेजी थी, दुनिया भर में थी। और चूंकि इसमें ज़्यादातर सरकारी कंपनियाँ इस कैटेगरी में फॉल हो रही थी, इसलिए भी इस इंडेक्स में एक बड़ी तेज़ी बनी है। रेलवे आपको याद होगा, डिफेंस आपको याद होगा, तो इन सब के पीछे कारण क्या है ये आज हम समझेंगे। और उस कारण के बाद जो हम इसका निकालना चाहते हैं टेक अवे, वो ये कि क्या आने वाले साल में भी या सालों में यही सेक्टर लीडरशिप लेके चलेगा, इसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो चार खास मेहमान विद्वान हैं, और सबसे मैंने ये प्रॉमिस किया था, लिया था कि हमें सिर्फ आज PSU सेक्टर पे बात करनी है। मीर वोरा जी हमारे साथ हैं, CIO हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के, बहुत अच्छे तरह से आप परिचित हैं। संजय सिन्हा सर हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर्स के। प्रकाश दीवान जी हैं, मार्केट के जाने माने जानकार और स्टॉक पिकिंग में कोई सानी नहीं इनका। और गौरव बिस्सा जी वाइस प्रेसिडेंट इनक्रेड के हैं। दरअसल ये शो की जो परिकल्पना नहीं, मैं गौरव जी से बातचीत में ट्रिगर हुई, शो में हम लोग बैठे थे बातचीत करें तो बहुत PSU हो रहा, तो मैंने गौरव जी से कहा चलो इस पर एक शो ही करते हैं और आवाज़ अड्डा प्लान करते हैं। तो ज़्यादातर क्रेडिट गौरव जी को जाता जिन्होंने मुझे इसका आइडिया दिया कि इस पर बातचीत जरूर करनी चाहिए। तो गौरव जी आपसे ही शुरू करते हैं, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये
पीएसयू की जो इतनी बड़ी रैली हम लोग देख रहे हैं और रुक नहीं रही है, कहीं कोई साइन नहीं देखने इसके, क्या मानते हैं आप, क्यों हो रही है रैली? सेक्टोरल डिटेल्स में और सब चीजों में हम लोग देर में, पहले तो ब्रॉड बेस क्यों रैली हो रही है? नमस्ते नीरज जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को, सब पैनलिस्ट को, आपको, आपकी टीम को नववर्ष की शुभकामनाएं। और रही बात क्रेडिट की, तो मैं समझता हूँ इतने दिग्गज जो हमारे साथ में है, तो मेरा कोई उसमें क्रेडिट बनता नहीं है कि मैं लूँ। मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज शो के हिस्सा बने हैं। लेकिन देखिए, अगर बात की जाए किस तरह से स्पॉटिंग हुआ है, तो दो चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी थी। पहली, अगर आप देखी जाए कि एक धारणा थी कि मिड कैप जो है, पीएसयू बैंक्स है या दूसरे पीएसयू स्टॉक्स हैं, ये फिजल आउट बहुत जल्दी हो जाते हैं, और ये हुआ भी था। अगर आप पिछले 10 साल का हिस्ट्री भी अगर देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि पहली बार मिड कैप पीएसयूज में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला, पहले भी आया था लेकिन वो फिजल आउट हो रहा था। अब की बार अगर आप देखें, तो एक 15 साल, जैसे आपने निफ्टी पीएससी इंडेक्स का 15 साल का एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। तो जो पहले हमको पीएससी स्टॉक्स में तेजी दिख रही थी, वो इंडेक्स के अभाव में था। इंडेक्स में तेजी नहीं थी, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में तेजी थी। जैसे अगर चर्चा की जाए कि आज लोग इतने बुलिश हैं इंडिया की इकोनॉमी के लिए, ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल या 10 साल पहले लोगों को टाटा पे या अंबानी पे या बिरला पे या और बिजनेस हाउस पे नहीं था। आज लोगों को भरोसा इसलिए आ रहे होंगे, काफी सारे जो छोटे मझोले बिजनेस है वहाँ पे भी काफी अच्छा एक आपको परिवर्तन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो सपोर्टिव है, और जो नीचे स्टॉक्स जो कंपनीज है वो भी अच्छा परफॉर्म करिए। सिमिलरली इस बार ऐसा हुआ कि आपको काफी अच्छा एक ब्रेकआउट, मल्टी ईयर मोर देन डेकेड ब्रेकआउट आपको देखने मिला पीएससी इंडेक्स के अंदर, और फिर एक इंडिविजुअल काउंटर्स के अंदर आपको तेजी चालू हो गई है। तो एक कारण यह था कि इस बार जो जो भयंकर तेजी देखने मिली है, वो रीजन ये है क्योंकि आपका इंडेक्स भी चल रहा है और कंपोनेंट्स भी चल रहे हैं। दूसरा, काफी एक सिंपल थ्योरी है जो हम कहते हैं डाउ थ्योरी। तो एक ट्रेंड रिवर्सल चालू हुआ है, वो अब तो आपकी काफी अपसाइड आ चुकी है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने मिला था तकरीबन मार्च अप्रैल 2023 में, जहाँ पे काफी सारे जो पीएसयू थे, जैसे आपने भेल की चर्चा की थी शो के शुरुआत में, तो ये सारे स्टॉक्स में काफी अच्छा एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिला मंथली चार्ट्स पे, 10-10, 12-12, 15-15 साल के। तो ट्रेंड रिवर्सल इतना इजी नहीं है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ट्रेंड रिवर्सल इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप चार्ट्स देखेंगे तो बेसिकली चार्ट्स क्या है, वो एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है कि मार्केट का सेंटिमेंट या मार्केट पार्टिसिपेंट्स का सेंटिमेंट कैसा है। तो 10 साल से जो नीचे चल रहा था सेंटिमेंट, वो अचानक से एक अच्छा रिवर्सल आ गया। आप अगर पिछले 1.5-2 साल का वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखेंगे, तो काफ़ी अग्रेसिव वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखने मिला है, और ये कोई 1 महीना या 2 महीने का नहीं है। आप अगर ओवरऑल देखेंगे, तो एक पिछले 10 साल का एवरेज अगर देखेंगे वॉल्यूम्स का, उससे 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना वॉल्यूम्स हुए हैं ऑन कंसिस्टेंट बेसिस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तो ये 2-3 चीज़ जो है, ये काफ़ी एक नई थी और काफ़ी बड़ा एक इंडिकेटर था, जिसकी वजह से पीएसयूज काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। ओके मिहिर सर, जनरली चूंकि सरकारी कंपनियों हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनमें हमेशा कहा जाता था कि कंपनियां बहुत काबिल लोग इनको रन करते हैं, लेकिन चूंकि सरकार के हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, या बहुत फ्रीली वो काम नहीं कर पाते, या कई बार कंपटीशन के सामने वो इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते, जो कि बहुत सारी परमिशन चाहिए। क्या ऐसे कोई बड़े कारण इस रैली के पीछे, या सिर्फ इसलिए कि भाई सस्ते थे, पैसा बहुत लोगों के पास आ रहा था, तो चलो ये भी खरीद लें, क्या आपको क्या लगता है क्या हुआ ही? देखिए, ये एक क्या कहते हैं, जब जब किस्मत अच्छी होती है तो सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल सारी कायनात आपके लिए काम करती है। तो ऐसा ही हुआ है। जैसे आपने कहा, वैल्यूएशन तो सस्ते थे ही, क्योंकि ऑलमोस्ट जो 2020 का बॉटम देखा था, वहाँ से हमने देखा कि फाइनेंशियल्स चले, उसमें भी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स चले, सॉफ्टवेयर कंपनीज तो मोस्टली सब प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, तो ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स थे आईटी, सॉफ्टवेयर, वो तो ऑलरेडी काफ़ी चल चुके थे और ये काफ़ी पीछे रह गए थे इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर। बट मेरे ख्याल से मार्केट इज़ नॉट फुलिश, मार्केट अभी भी यू नो केयरफुली स्टॉक पिकिंग और सेक्टर पिकिंग कर रही है, और इंडिविजुअल अगर हम पीएसयू स्टॉक्स देखें तो भी अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए हैं, यू नो टेलविंड्स हुए हैं। आपने गवर्नेंस की बात की, आपने जैसे कहा यस डिसीजन मेकिंग स्लो होती है वगैरह, लेकिन अगर हम पॉजिटिव्स देखें तो पीएसयू टिपिकली इतनी अच्छी तरह से ऑडिट होते हैं कि उनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है, उनकी अकाउंटिंग होती है, वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है, तो वी कैन बिलीव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक तो ये बड़ी बात है। सेकेंड इज, काफ़ी सारे जो पीएसयूज हैं वो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, और या तो दे आर नेचुरल लीडर्स इन देयर फील्ड, तो उनको इमीडिएटली रेप्लीकेट करना प्राइवेट सेक्टर को भी डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल, जो हम बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी की बात कर रहे हैं पावर सेक्टर में जो है पीएसयू, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं स्प्रेड अक्रॉस सो मेनी लोकेशन, वो रेप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली डिफेंस में तो प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, तो
और ये रेलवे में फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं पीएसयू के लिंक थी, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो ये भी एक थीम बन रहा था। तो मेरे ख्याल से एक तो पॉलिसी टेलविंड जैसे हमने डिफेंस और पावर सेक्टर में देखा, प्लस वैल्यूएशंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग एंड गवर्नेंस, वो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव थे और ये सब फैक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए एक बड़ी रैली आई। संजय जी आपको क्या लगता है, क्या बहुत बड़े बदलाव ऐसे हुए, क्यों चल रहे इतने पीएसयू सेक्टर? मेरे ख्याल से नीरज जी दो मुख्य कारण रहे, एक तो मैं समझता हूँ टॉप डाउन और दूसरा बॉटम अप। तो टॉप डाउन से मेरा मतलब है कि जिस तरह से सरकार का समर्थन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिला, बजट के द्वारा जिस तरह रेलवे का एलोकेशन बढ़ा, इलेक्ट्रिफिकेशन के तरफ, मॉडर्नाइजेशन के तरफ, एक्सपेंशन के तरफ, तो उसे बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो पैदा हुई, और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ज्यादातर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ही सामने में थे। उसी तरह से जिस तरह से इस सरकार ने डिफेंस की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया, वो भी मेरे ख्याल से एक टॉप डाउन रीजन है जिसके कारण डिफेंस कंपनीज में इस तरह की तेजी दिखी। दूसरा कारण मैं समझता हूँ कि वो है बॉटम अप। अगर आप देखें तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो कि मार्केट जिनको अच्छी निगाह से नहीं देखता था, वर्ष 2023 में बाजार ने ये नोटिस करना शुरू किया कि वही पब्लिक सेक्टर बैंक जिनकी की प्रॉफिट्स पूरी की पूरी उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की राइट ऑफ के कारण चली जाती थी, वही पब्लिक सेक्टर बैंक्स 2013 से लेके 2023 के बीच में, सॉरी 2014 से लेके 2023 के बीच में उनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो इतनी कम हो गई कि उनका प्रॉफिट जो है वो उनके बुक वैल्यू को बहुत तेजी से बढ़ाने लगा। उसी तरह से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसको किसी स्टॉक रिकमेंडेशन के रूप में ना लिया जाए, एक कोल इंडिया को अगर आप लें, सरकारी तंत्र की कंपनी जिसका की काम है कोल प्रोडक्शन, जब पावर प्रोडक्शन के लिए जब दबाव बढ़ा प्रोडक्शन के लिए, तो जिस तरह से उस कंपनी ने अपने प्रोडक्शन के लेवल्स को बढ़ाया, वो एक पब्लिक सेक्टर इतनी बड़ी कंपनी के लिए मतलब वो सराहनीय थी। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज एक साथ हुए, सरकार की तरफ से टॉप डाउन सपोर्ट मिला और बॉटम अप जैसा कि हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा और कुछ मिनरल कंपनीज में देखा, जिस तरह से कि उनकी कार्यशैली में बदलाव आया, तो ये दोनों तो एक सोचिए कि एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म बना दिए। और जैसा मिहिर कह रहे थे कि बाजार सेक्टर बाय सेक्टर एक एक सेक्टर को डिस्कवर कर रहा था, अधिकांश सेक्टर में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, उसके पर्सपेक्टिव में ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की पूरी समूह थी वो रीजनेबल वैल्यूएशन पर लोगों को दिखने लगी, और पैसा चूंकि नया आ रहा था बाजार में, उसको और भी सेक्टर्स चेज करने थे, तो उसने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चुना अपने एलोकेशन के लिए, और इसलिए हम देख रहे हैं कि वर्ष 2023 में सबसे सेक्टर लीडर अगर हम कहें बाजार का तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने लिया है। वेरी इंटरेस्टिंग। प्रकाश सर, पीएसयू की रैली के पीछे क्या है, रैली के पीछे क्या, राइम कर रहा है थोड़ा ये, क्या रैली के पीछे क्या है? नीरज भाई देखिए, ये रैली को समझने के लिए उसकी नींव अगर आप देखें तो कम हुई है। हाँ। ये हुई है 5-6 साल पहले। हाँ। जब डाइवेस्टमेंट का सिलसिला शुरू हुआ था, तब हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की टोटल मार्केट कैप 9 लाख करोड़ के करीब थी, और धीरे धीरे करके सरकार अपने टारगेट डाइवेस्टमेंट के टारगेट के जो 1-1.5 लाख करोड़ सालाना हुआ करते थे उनको मीट करने के लिए बहुत सारे आईपीओ लेके आई। आपने देखा रेलवे में एक एक, एक सीरीज शुरू हुई, राइट्स, इरकॉन, आरबीएनएल, आईआरसीटीसी, रेलटेल, सभी 6-8 महीने के अंदर ये निकाले गए। उसके बाद पावर में कुछ निकले, उसके बाद डिफेंस में निकले, खास करके शिप बिल्डिंग साइड में निकले। तो जब ये आईपीओ आए थे तब किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि इनका, क्योंकि पहली बार आए थे, कई बिजनेसेस तो यूनिक है, जैसे मीर ने भी कहा कि भाई उसमें और कोई सरकारी कंपनी के अलावा तो कोई है ही नहीं। तो जहां पे वो लोगों ने काम काज शुरू किया मतलब करा था और मार्केट में जब आए तो वैल्यूएशंस किस टाइप के थे आपको याद है? अब रेलटेल का आईपीओ जब आया था तब उसकी मार्केट कैप देखिए 60,000 किलोमीटर की लाइन होते हुए भी, मतलब ओएफसी लाइन लगाए हुए हैं वो लोग,
तब आईपीओ लेके आए तो भी वो 2200 करोड़ पे ही मार्केट कैप आया। सो ये जो मिसमैच था ये कहीं ना कहीं बहुत ग्लेयरिंग दिख रहा था सबको। मझगांव डॉक का आपको मार्केट कैप पता है आईपीओ जब आया था तब क्या था, राइट? और ये सब होते हुए सबको पता था, ये नहीं कि सडनली एकदम से डिस्कवर हो गया कि ये तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुआ क्या कि जब सरकार ने कोविड के बाद आत्मनिर्भरता का बिगुल बजाया और कहा कि भाई आप हम कोई भी चीज पे बाहर के देशों पे डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे वो डिफेंस हो या रेलवे हो या पावर कुछ भी हो, हम लोग सब कुछ हमारे हिसाब से अपने आप ही काम किया जाएगा, तो दायित्व किस पे आया? पीएसयूज पे आया। और पीएसयूज ने बेखूबी ये इस चैलेंज को स्वीकार करके रिटर्न किया, वो वापस जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक उन्होंने काम किया और वहां पे सबको समझ आने लगा कि अगर आत्मनिर्भरता और ये वैल्यूएशन जो पीएसयूज के मिल रहे हैं इसको अगर समझा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको इसमें रीसेट या रीवैल्यूएशन का दौर दिखेगा ही दिखेगा। तो ये शुरुआत तो हो चुकी थी बट अब सरकार के काम की वजह से जो पीएलआई जैसे संजय ने कहा कि सरकार ने भी ये इस टाइप का जो जो काम किया और जो पंप प्राइमिंग की इकोनॉमी को वापस एक नए उसे ढालने के लिए मजबूती पे लाने के लिए, तो अधिकांश कंपनीज ने जो रिटर्न्स देना शुरू किया वो आपको मिसमैच था वैल्यूएशन के तौर पर, तो वो इस साल हमने करेक्ट कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा कि करेक्शन हो गया और मतलब करेक्शन ऑन द अपसाइड ही, तो जो मिसमैच था वो पूरा हो गया, लेकिन आगे चल के अभी भी बहुत जगह है क्योंकि लोगों को इनके काम करने की प्रणाली की समझ आ गई, तो वो स्केल और समझ आते जैसी समझ आई है मार्केट को वो धीरे धीरे अपना आगे बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये मिसमैच की वजह से ये सेट हुआ था। 6 साल पहले हमने आईपीओ देखे, एकदम सस्ते भाव पे आईपीओ आए और आत्मनिर्भरता ने उसमें तड़का लगा दिया परफॉर्मेंस। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सेक्टर पे और थोड़ा इसको समझते हैं डीप पे। इस गवर्नमेंट को चूंकि शामिल इसलिए करना पड़ेगा चर्चा में क्योंकि उन्हीं की कंपनियां हैं, प्रेसिडेंट साहब इनके मालिक हैं। मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 8-9 सालों में जो अभी प्रकाश जी कहते हैं नींव रखी है, बहुत छोटी चीज़ें वो जब बोलते हैं तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, दरअसल वो बहुत बड़ी होती हैं। जैसे मुझे याद है एक बार जब कोविड के दौरान उन्होंने 20-25 लाख करोड़ के एक पैकेज का ऐलान किया, उसमें बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं थी, फिर अलग से उन्होंने गति शक्ति का ऐलान किया। पावर सेक्टर का रिफॉर्म तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने उसको ढंग से पढ़ा भी होगा कि क्या उन्होंने रिफॉर्म किए थे, और तब उन्होंने पढ़ा जब पीएफसीआरएससी डबल हो गए। तो बहुत सारी इस गवर्नमेंट की चीज़ें जो लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे थे, वो लीगेसी की नॉलेज है कि भाई जब पीएससी चलते नहीं है, थोड़ा चल गए फिर गिर पड़ते हैं, इसलिए उधर ध्यान ही नहीं देना है, लेकिन इस बार उन्होंने चमत्कार किया। मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में एक बार नहीं कई बार पीएसयू के जो लोग हैं उनसे पूछा गया, फिर सर जो आपने बात कही थी ना कि भाई ये बताओ आप इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, प्राइवेट सोरो छोड़ो आप, आपको मार्केट कैप स्मॉल कैप टाइप का क्यों है, क्यों है ऐसा? तो उन्होंने कहा आप साहब काम करने के लिए जो आज़ादी चाहिए, डिसीजन मेकिंग जो चाहिए, तो उनको ये कहा गया कि आपको जो रोके उसका नाम बताओ आप, लेकिन आप मुझे बड़ा बन के दिखाओ। तो उन्होंने दिखा दिया, आप पावर में लीजिए, रेल में लीजिए, डिफेंस में लीजिए, धुआंधार बैटिंग हो रही है, ये गवर्नमेंट ने तय किया है। और उनको ये बताया गया कि आप अगर लीडर हैं सेक्टर के, मोनोपोली है आपकी, तो फिर साबित भी करिए, ये नहीं कि आप देश की सबसे बड़ी कंपनी और मार्केट गैप आपका 6000 करोड़, ये थोड़ी चलेगा। तो ये जो चेंज किए गए, पैराडाइम शिफ्ट किए गए, इसका असर हम लोगों को अब देखने को मिल रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक एक सेक्टर की चर्चा करता हूँ। पावर सेक्टर, जैसे सर पावर सेक्टर में मेरी जानकारी के हिसाब से 3 बड़े रिफॉर्म किए गए। पहला ये किया गया कि आप 3 चीज़ें होती है, एक होता डिस्कॉम, एक होता पावर जेन को, फिर ट्रांसमिशन, अंत में ट्रांसमिशन के बाद कस्टमर आ गया जिसको देना है। तो 2 रिफॉर्म तो कर लिए उन्होंने। अभी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी को बहुत दिक्कत नहीं है, जो बीच में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी उसका भी पैसा नहीं फंसता है। अभी आपको फ्री बिजली देनी तो आप झेलो। एंड यूजर जो है अभी वहां तक, ये जो स्मार्ट मीटरिंग के आप टेंडर निकल रहे हैं 10-10 लाख 20-20 लाख, ये थर्ड फेज है, लेकिन ये 2 फेज उन्होंने कर लिए। तो पीएफसीआरएससी का पैसा नहीं फंसना है, ना किसी एनटीपीसी का पैसा फंसना है, उनको तो पैसा देना है क्योंकि आपको बहुत मजबूरी उदय बांड ले लीजिए, लेकिन आप पैसा नहीं रोक सकते क्योंकि सेंट्रल गेट से लाइट बंद कर दी जाएगी। तो पावर सेक्टर में आपको लगता है कि ये जो चेंज सरकार ने किए हैं ये कंटिन्यू रहेंगे और हमारा जो जिस तरह से कंजम्पशन पैटर्न बढ़ रहा है ये अभी सस्टेन करने लायक है? और बिल्कुल, क्योंकि देखिए इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। लोगों को आदत थी कि पेमेंट नहीं करनी, अब जब स्मार्ट मीटरिंग आई है, फेज बाय फेज जब होगी तो लोगों को धीरे धीरे आदत बदलती दिखेगी।
और ये भी हमने देखा है कि ये जो फ्री पावर है थोड़ा मिथ भी था, क्योंकि SEBs जो थे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, वो फुल टाइम पावर देती भी नहीं थी, तो अगर पावर ऑफ ही रखोगे तो कौन चोरी करेगा, कैसे चोरी करोगे? तो लोग भी समझ गए कि भाई जहाँ ज़्यादा चोरी हो रही है वहाँ पे वैसे ही सप्लाई बंद हो रही है। 16-16 घंटे ब्लैकआउट होते थे विदाउट पावर, यू नो, गर्मी के सीजन में। ये तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये आदत चेंज करने की बात है, और स्मार्ट मीटरिंग से ये आदत जो है जो चेंज होगी एक्सेलरेट होगी। बट आई थिंक मेरे ख्याल से उससे भी बड़ा जो रिफॉर्म नहीं कहेंगे बट एक डेवलपमेंट हुआ है वो रिन्यूएबल्स का हुआ है। हमने लास्ट 10 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है रिन्यूएबल्स को, सोलर एंड विंड खास करके, और बहुत सारी कैपेसिटीज प्राइवेट सेक्टर में आई हैं। लेकिन सडनली आफ्टर अ फ्यू ईयर्स हमने लास्ट 2-3 साल में ये रियलाइज किया है कि रिन्यूएबल्स का सप्लाई जो होता है वो अनइवन होता है, अनलाइक कोल बेस्ड और गैस बेस्ड प्लांट जहाँ पे आप रैंप अप और रैंप डाउन अपने इच्छा से कर सकते हो पावर प्रोडक्शन। रिन्यूएबल्स तो विंड जब आती है तो आती है, सोलर भी जो दिन में आती है रात में नहीं आती है, तो ये साइक्लिकल होता है। तो उनकी जो ग्रिड कैपेसिटी है वो एक्चुअली एक गीगावाट है तो ओनली 10-20% यूज हो पाती है ड्यूरिंग द डे, और वो भी स्पाइकी होती है। तो जो बेस लोड होता है जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ पे हमारी जो थी वो डेफिसिट दिखने लगी थी। तो हमने थोड़े साल के लिए मेरे ख्याल से अंडर इन्वेस्ट किया था ट्रेडिशनल पावर जनरेशन में, कोल बेस खास करके। वो हमें रियलाइज हुआ है कि ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए ये भी चाहिएगा। सेकेंड इज जो रिन्यूएबल्स के लोकेशंस हैं वो बहुत अलग अलग जगह पे हैं। जो विंड पावर होता है वो सी के पास होते हैं या माउंटेनस एरिया में होते हैं, सोलर जो है वो डेजर्ट एरिया में है। तो उनके लिए ट्रांसमिशन ग्रिड को भी स्ट्रेंथन करना पड़ा क्योंकि इनको अलग अलग जगह से व्हीलिंग करनी पड़ती है। तो ट्रांसमिशन और कन्वेंशनल एनर्जी में एडिशनल हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ गई क्योंकि हमने रिन्यूएबल्स में इतना रैंप अप किया है। और हम अगर देखें तो ट्रांसमिशन में तो ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन कोल बेस्ड पावर जनरेशन में एक दो ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा हो गया। इंटरेस्टिंग गौरव, बहुत सारे सेक्टर हम लोग ले ही रहे हैं, पावर, डिफेंस, रेलवे, बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से सरकार ने चेंज किया, मैनेज किया, रादर की बीच में बहुत ग्रीन पावर का और सबका आया, लेकिन जो भी बता रहे थे समीर सर कि वो चेंज हुआ, उनको लगा कि नहीं ये एकदम से हो नहीं पाएगा, बीच में आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो ये जो पूरा सेक्टोरल एक लोड, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिफेंस की कई कंपनियों के पास या रेलवे की कई कंपनियों के पास इतने बड़े ऑर्डर्स हैं कि 5-5, 6-6, 8-8 साल के लिए उनकी ऑर्डर बुक फुल है। अभी एग्जीक्यूशन पर क्वेश्चन लोग करते हैं, भाई बना पाओगे कि नहीं, ऑर्डर तो उतने तुमने ले लिए। आप कैसे देखते हैं सारे चेंजेस को? जी गौरव, देखिए अगर मैं ओवरऑल अगर आप देखिए पावर का देख लीजिए, चाहे आप डिफेंस का देख लीजिए, और अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे अगर आप देखिए जब आप ऑर्डर्स आते हैं एक उछाल आपको देखने मिलती है, फिर जैसे आपने कहा क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ से एग्जीक्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, थोड़ी बहुत जो है वो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आती है, लेकिन उसके बाद में अगर आप देख रहे हैं तो फ्रेश जो है वो एक काफ़ी अच्छा करेक्शन हो नहीं पाता है, एक फ्रेश बाइंग ऐसे इमर्ज हो रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पकड़ चुका है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट होगी, यहाँ से मार्केट भी काफ़ी हीटेड हो चुका है, तो जो एक नॉर्मल करेक्शन लोग उम्मीद करते हैं वो एक बार मेजरली एक बार आपको आया तो आ सकता है। बट यहाँ पे जो हमारा इनहाउस जो राय है, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च जो राय है, वो भी यही है कि यहाँ से जो चाहे फ्रेश ऑर्डर्स हैं या एग्जीक्यूशन है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है कि एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो क्वेश्चन जरूर रहेंगे। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो माइल्ड करेक्शन है वो वाजबी है, बट बियॉन्ड दैट यहाँ पे फिलहाल कुछ लग नहीं रहा है। संजय जी, पावर के साथ साथ रेलवे जोड़िए, जिस सेक्टर पे आपका दिल करे उस पे आप बोलिए। मैं खाली एक बात बताता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले एक खबर छपी है जिसमें सरकार ने ये कहा है, ये रेलवे मिनिस्ट्री बोर्ड के हवाले से खबर छपी है कि 50,000 किलोमीटर की नई रेल डाली जाएगी, रेल मतलब ट्रैक्स, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलाने का इरादा है। 7,00,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स में, और एक बार इन्होंने 30,000 वैगन का टेंडर दिया था, वन शॉट 30% कैपेसिटी एक्सपेंशन, उसके बाद 20,000 का और दे चुके हैं। तो इस तरीके के बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। आपको कौन सा सेक्टर सबसे बेहतरीन लगता है, जहाँ सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और उसका फ़ायदा आने वाले समय में होगा? संजय जी, तो उसमें ऐसा है नीरज जी की देखिए, एक आंकड़ा
पावर सेक्टर के बारे में रखा गया कि भारत में पर कैपिटा पावर कंजम्पशन जो है वो 800 यूनिट पर हेड है, और यही आंकड़ा अगर आप यूएस का देखें तो ये 9000 यूनिट पर हेड है। तो जब भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है तो किसी भी परिवार में किसी भी कंज्यूमर के लिए सबसे पहला आइटम जो कंजम्पशन का बढ़ता है वो होता है पावर से रिलेटेड। तो जब हम अभी $3 trillion की इकोनॉमी से और आगे बढ़ने वाले हैं, हम विश्व के 5वें लार्जेस्ट इकोनॉमी से हम 3रे सबसे बड़े इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो पावर कंजम्पशन और उससे रिलेटेड पूरा इकोसिस्टम जो है वो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने जा रहा है। वो पावर जनरेशन होगा, वो पावर ट्रांसमिशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मीटरिंग होगा, अप्लायंसेस होगा। और चूंकि पावर क्षेत्र में जो खास करके जनरेशन का हिस्सा है वो पब्लिक सेक्टर से डोमिनेटेड है, तो ऑब्वियसली जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ये जो दो सेक्टर हैं ये डोमिनेटेड हैं पब्लिक सेक्टर से। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको ना सिर्फ एक साल का, आपको अगले कई साल में इस तरह का प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। इसी इकोनॉमिक आउटलुक से संबंधित है रेलवे का आउटलुक। जब हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी तो इस इकोनॉमी को मूव करने के लिए वो गुड्स हो, लोग हो, उन सबको मूव करने के लिए आप रोड के द्वारा इतनी बड़ी तादाद में गुड्स को मूव नहीं कर पाएंगे, आपको रेलवे की जरूरत पड़ेगी। आज ऑलरेडी हमारा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ कुछ सेक्टर्स में ओवरबर्डन है, खास करके ईस्टर्न साइड में आप देखें तो कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो कि 110% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं आज। तो इसलिए रेलवे में जो एक्सपेंशन होने वाला है वो भी बहुत ही बड़े स्केल पर होगा। और अभी जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है, बुलेट ट्रेन कुछ सालों में, मुझे लगता है 2 साल में वो भी चालू हो जाएगा। तो जो हमारा पुराना ढर्रा रेलवे का रहा है, जो स्लोस्ट मूविंग गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन की, वो भी काफी तेजी से उसमें बदलाव आना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि हमारी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गति से रिलेटेड है, तो ये पावर और रेलवे ये बहुत बड़ी स्केल पर इसमें आपको दिखेगा बजटरी एलोकेशन, साथ ही साथ एग्जीक्यूशन, और ये इस स्केल पे होने वाला है जैसा कि हम लोगों ने पहले नहीं देखा है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों सेक्टर्स पर आपको अगले कुछ सालों के लिए उत्साहित होना बिल्कुल लाजमी है। प्रकाश सर, आपको बैंकिंग सेक्टर नहीं पसंद आ रहा? ट्रिपल बैलेंस शीट क्लीन कर दी गई, एविएशन सेक्टर देखिए जहां मैनी फोल्ड एयरपोर्ट बन गया, अभी तो देखिए अयोध्या का मार्च वाल्मीकि नया एयरपोर्ट क्या शानदार बना है, ब्यूटीफुल नागर कला के इतिहास से बना है, और बहुत सारे एयरपोर्ट बने, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए आप तो बहुत सारे बने। आपका आपके हिसाब से सबसे बढ़िया सेक्टर में रिफॉर्म्स कहाँ हो रहे हैं जो बड़े पोटेंशियल के लिए है? तो इसमें ये देखिए कि सरकार के जो प्रेजेंस जिन जिन सेक्टर्स में या बिजनेसेस में है नीरज भाई, वो एनेबलर्स हैं। आप अगर आप देखिए जो पावर सेक्टर है तो रिन्यूएबल्स में, रिन्यूएबल की फंडिंग में जो पिछले एक साल में आप देखिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से जो एक्सपेंशन हुआ है वो हमारे पावर शॉर्टेज को, जो संजय बता रहे हैं कि बहुत क्लियरली हम तो अभी पावर कंजम्पशन में बहुत ही मतलब किंडरगार्टन में है, जहाँ यूएस वो 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा में बैठे हैं। तो ये जो कंपनीज है ये एनेबलर्स है। उसमें पीएसयू बैंक्स को भी उसी एंगल से गिनता हूँ कि जहां जहां फंडिंग गैप है, और उसमें भी कई एनबीएफसी सरकार की आई, मुझे बहुत कंपनी पसंद आया करती थी IRFC करके थी, जब IPO आया था तो किसी को समझ नहीं आता था कि इसमें एक्साइटिंग क्या हो सकता है, ये करती क्या है कि जो सरकार का रेलवे का बजट है उससे ज्यादा अगर रेलवे को खर्चा करना हो तो ये उनको चेक बना के दे देते हैं कि भाई ये गैप है, आप फंड ले लो हमसे, और वो अश्योर्ड था कि इनको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन उसमें कोई कोई बड़ा कुछ ग्लैमरस बिजनेस नहीं था, लेकिन वो जैसे ही रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, रेलवे के कामकाज में एक्सपेंशन हुआ, IRFC में भी उस टाइप की रंगत दिखनी शुरू हुई। तो ये जो कंपनीज सारी होती है एनेबलर्स होती है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो आपके टेलीकॉम साइड में, देखिए हाल ही में हमारे माननीय मंत्री टेलीकॉम मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने संसद में एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन करी BSNL को लेकर,
अब ये BSNL ऐसा है जिसका डाइवेस्टमेंट के पर चर्चा 5-6 साल पहले होती थी, बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ करता था कि इसको क्यों बेच नहीं देती सरकार, इसको क्यों पकड़ के रखे हुए हो, लॉस मेकिंग है, ये है वो है। अब उन्होंने कह दिया कि भाई जो चेंज आ रहा है, जो तब्दीली दिख रही है इसमें, उससे उन्होंने कहा ये भाई साहब नया, सब नया लगेगा, बन गया ये BSNL की परिभाषा ही चेंज होगी। और इस वजह से जो आपको 4G जहां नहीं पहुंचा है, चाहे जियो का नेटवर्क हो या भारती का हो, जहां जहां नेटवर्क पहुंचाने की जो 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 दायित्व है वो BSNL पूरा कर सकता है, विच नोबडी एल्स कैन रेप्लिकेट। तो ये चीजें जब होंगी तो आप देखिए, अभी तो हमारे यहाँ पे इंटरनेट सब जगह पहुंचा नहीं है और UPI पे इतने नए सारे माइलस्टोन और रिकॉर्ड बन रहे। तो ये जैसे जैसे ये सब चीजें आएंगी तो सरकार की कंपनीज ने एनेबलर्स का काम ज्यादा किया है। तो मुझे तो वो कंपनीज पसंद आती है जिनका गोल ये है कि फाइनल गोल को अच्छी तरह से मीट करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, चाहे वो BSNL का काम हो या कोई रेलवे में हो। अगर आप कोई एक क्षेत्र ले रेलवे, इंटरेस्टिंगली बताना चाहूंगा कि रेलवे में जो जैसे रेलवे सेफ्टी को लेके जो काम हुआ है, यू नो RDSO में जो रिसर्च किया गया है, जो पेटेंट पेटेंटेड टेक्नोलॉजी कवच के नाम से बनी है, आप ये देखिए कि कवच को इम्प्लीमेंट करना है करीब 70,000 से 75,000 करोड़ किलोमीटर्स की ट्रैक्स पे, ठीक है। आज हमने सिर्फ शुरुआत की है, और अगर ये हो जाता है तो मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि ये तो आप हिंदुस्तान के मार्केट की बात कर रहे हो, यही टेक्नोलॉजी जो विश्व भर में सबसे रीजनेबली प्राइस है, बाहर की कंपनीज आती है तो वो 1-1.5-2 करोड़ रुपया लेते हैं पर किलोमीटर ट्रैक को कवच बनाने में, जो सिस्टम इंस्टॉल करने में। हिंदुस्तान की कंपनी जो है, जो तो 3-4 कंपनी, वो 50-65 लाख के रेंज में इसको कर लेती है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको इजिप्ट में, अफ्रीका में, रादर ईस्ट यूरोप में, हर जगह इसको अमल में लाने की क्षमता होती है। तो हिंदुस्तान आत्मनिर्भर है, यही PSU आपको विश्व को हिंदुस्तान पर निर्भर बनाएंगे। सो ये जो आगे 5 साल का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि आप आत्मनिर्भरता को तो डाइजेस्ट कर लेंगे, सराह लेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन विश्व भर भारत पे निर्भर, ये जो है ना थीम, इस पे देखिए, गौर कीजिए, एंड वी विल बिकम वेरी वेरी रेलेवेंट टू द ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि वहां के देशों की ग्रोथ के लिए हमारी कंपनीज की टेक्नोलॉजी क्षमता सब कुछ मायने रखने लगेगी। तो हम फिर ये डिस्कशन सिर्फ हमारे यहाँ की सरकार के एक्सपेंशन की नहीं करेंगे, हम तो करेंगे कि ग्लोबली हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, ये देखिए। प्रकाश जी, मुझे लगता है कि हमारा और आपका सूत्र एक ही है। मैं मेरे एक बहुत बचपन के दोस्त है जो रेलवे में बहुत सीनियर पोस्ट पे है, इंजीनियर है वो, तो कुछ दिन पहले, कुछ दिन मतलब 1-1.5 महीने पहले करीब, उनसे हमारा यही डिस्कशन हो रहा था कि रेलवे में क्या चल रहा है। तो बहुत सारी इधर उधर की बातें बना, चूँकि वो मार्केट से उनका कोई लेना देना नहीं, तो वो अपना डिफरेंट डिफरेंट कहानी मुझे सुना रहे थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बोले कवच गंभीर, अभी ये कवच क्या है, तो उन्होंने बताया कि कवच पे RDSO और दो बहुत पुरानी कंपनी है जो 10 सालों से सरकार के साथ मिलकर रिसर्च कर रही है। और जो बात अभी प्रकाश जी ने कही कि एक्सपोर्ट मार्केट, उन्होंने सरकार को ये लिख के दिया है कि हम ये भारत में नहीं, दुनिया भर में बेचेंगे कवच। हज़ारों ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे इस प्रोडक्ट की डिमांड है, हैदराबाद के सेंट्रल लैब में बैठते हैं, वो रिसर्च करते हैं, और वो प्राइवेट कंपनीज, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि तुरंत लोग उसको फिर डिफरेंट एंगल में लेंगे, और वो कवच की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, नाम से आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन वो कवच की लीडर है। और चूंकि 15-10 साल से उनके संबंध रेलवे के साथ, तो इसलिए वो उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। तो बाकायदा ये रेलवे में जो काम हो रहे हैं ना, तो जब आप डिटेल में जाएं धीरे, तो आपको लगता है अच्छा ये तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि भाई इतना डिटेलिंग में काम हो रहा है। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लानिट ही दिखती है, हर सेक्टर में इतना डिटेल में काम हो रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कैसे किस सेक्टर को चुने, ऐसा लगता है आपको? प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इतनी सारी चॉइसेस हैं। फ्रैंकली आपने डिफेंस क्यों छोड़ दिया पता नहीं है, क्योंकि वहां पे भी एक्सपोर्ट की बात हो रही है, हमने आर्मेनिया में मिसाइल्स दी है हमने एक्सपोर्ट के लिए, तो वो काफी सारे ऐसे थीम्स बन रहे हैं। तो आई थिंक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, और कोइंसिडेंटली ये सब मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता और मैन्युफैक्चरिंग की जो थीम है उसके साथ मैच भी हो रही है। तो गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट जॉब, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ानी है हर चीज़ में, नॉट ओनली डिफेंस बट सारी आइटमों में। और मेरे ख्याल से ये PLI स्कीम है, आत्मनिर्भरता है, मेक इन इंडिया है, डोमेस्टिक सोर्सिंग है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नॉट ओनली फॉर एक्सपोर्ट्स एंड यू नो इंडिजिनस प्रोडक्शन बट टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ये GDP ग्रोथ में।
इंटरेस्टिंग. अच्छा, जीडीपी ग्रोथ तो अगर आधा परसेंट ही बढ़ेगी तो इस तरह बढ़े. गौरव, ये सवाल मैं आपके सवाल लेकर मुझे तो दो चीज़ें आप लोगों को समझनी. सारे डिफेंस भी उसमें इंक्लूडेड है. मेरे पास डेटा है 16,000 करोड़ का, तो इसी साल एक्सपोर्ट हो चुका है अब तक. एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेनिटी है क्या, ओवर फ्लो हो रहा है जिस सेक्टर में आप देखिए उसी में सब तेजी से काम हो रहा है. दूसरा, एग्जीक्यूशन एक चैलेंज होगा क्या डिफेंस के लिए, खासतौर पर एच एल की ऑर्डर बुक देखिए आप, बी डी एल की ऑर्डर बुक देखिए आप, इवन बी एम एल की ऑर्डर बुक देखिए आप, तो ये आगे जाके थोड़ी चुनौती बनने वाली है, या वो कैपेबल हैं कि नहीं साहब, इतना ऑर्डर मिल गया तो कैपेक्स करने में क्या दिक्कत है. जी गौरव, देखिए जैसे हमने पहले कहा था कि और बाकी पैनलिस्ट ने जैसे कहा कि काफी एक महत्वपूर्ण सेक्टर्स है, अनेबलर टेक्नोलॉजीज है, और यहाँ पे अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो ये जस्ट एक सेटबैक जो है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड में कहें वैसा नहीं होगा. अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो हमारी क्षमताएं हैं, जो सबसे अभी बॉर्डर्स पे जो हम देख रहे हैं और जो हमने देखा कि इसराइल और वो पर्टिकुलर रीजन में हो रहा है, तो ये काफ़ी जो फोकस है वो डिफेंस पे आ चुका है. और ये जो है जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी भी जो चूक जो है या थोड़ा भी एक लीवे दिया जाए वो फिलहाल अफोर्डेबल नहीं रहेगा, और ये आने वाले समय में और बढ़ता रहेगा. और जैसे भी चर्चा हो रही थी कि एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भारी जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमको बना के कंज्यूम करना है जहाँ पे हम थोड़ा से लैक्स होकर बैठ जाएं कि नहीं चलो अभी तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज हो नहीं रहे, लेकिन अगर आप एक नया मार्केट जो खुला है तो वो मुझे लगता है कि उसको टैप करने के लिए और जो फोकस जो गवर्नमेंट का है उस हिसाब से ही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा कि आपको ऑर्डर्स मिल गए हैं आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे वो इश्यूज मुझे फिलहाल लग नहीं रहे. और यहाँ पे एक अच्छा एक रोड मैप जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई है और एक कंसिस्टेंट उनके ऊपर फॉलो भी चालू है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमको काफ़ी इसमें डिलीवरी भी देखने मिलेगी. डिलीवरी भी देखने को मिलेगी तो डिफेंस हो, रेलवे हो, पावर हो, बैंक हो, एयरपोर्ट्स का हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं कोई ऐसा सेक्टर नहीं सरकारी क्षेत्र में जहाँ पे सरकारी काम न हो रहा हो. प्राइवेट तो कर ही रहे हैं और सरकार की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम भी एनेबलर है. अभी किसी ने एनेबलर शब्द का यूज़ किया, तो चूंकि अब वो एक ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग है मार्केट में, डिस्काउंटिंग चल रही है उसकी, कि 24 का इलेक्शन गिवन है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है मार्केट के लिए भी और सरकारी कंपनियों के लिए तो होता ही है. खैर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. यहाँ पे ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा हम लोग ग्रीडी हो ही जाते हैं अपने दर्शकों के लिहाज से. तो आपका फेवरेट सेक्टर, आप स्टॉक का नाम लेना चाहें, सेक्टर बताना चाहें, उस पर चर्चा करेंगे. 2024 के लिए पीएसयू में क्या सबसे बड़ी थीम आपके हिसाब से होगी, छोटे से ब्रेक के बाद. सपनों की नाव लेके चलूं मैं, साथ में तू हो मेरे, क्योंकि तू खास है ये एहसास है, सांसों की तरह तू दिल के पास है. 70 years of trusted care backed by science and innovation, क्योंकि तू खास है. अनुकूल नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी की सुविधा ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट. 80 फिल्मों को सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं 44 करोड़ रुपए. विभिन्न स्थानों पर 450 से अधिक फिल्मों की हुई है शूटिंग. स्थानीय कलाकारों को मिला है अपना हुनर दिखाने का अवसर. माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि सकारात्मक फिल्में समाज को जागरूक बनाने का आधार है. इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इंटरनेशनल फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है. फिल्म स्टूडियो, होटल्स, मॉल्स, थीम पार्क, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सुविधाएं फिल्म उद्योग के माध्यम से आकर्षित करेंगी पूंजी निवेश. मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश. और इन्हीं रिश्तों के रेशों को, ऐसी एहसासों को पिछले 67 सालों से सहजते संवारते आए हैं. ओसवाल सोप ग्रुप,
हर रिश्ते का रखे ख्याल। स्वागत एक बार फिर से, और आज हम बातचीत कर रहे हैं, नई तेजी के लीडर हैं पीएसयू स्टॉक्स, यानी सरकारी कंपनियां किसी भी सेक्टर की हों, आप ढूंढ नहीं पाएंगे जो स्टॉक चल नहीं रहे हो। जबरदस्त तेजी है, और ये तेजी हवा हवाई नहीं है, ठोस कारण इसके। अभी हमने विस्तार से इसकी चर्चा की कि ये तेजी क्यों आ रही है। अब मैं अपने मेहमानों से ये पूछना चाहता हूँ कि 2024 में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं कि भाई पीएसयू में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, कोई सेक्टर है क्या जहाँ पर रडार पे रखें, तो वो क्या हो सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। तो जो भी स्टॉक का नाम लेना चाहे विद डिस्क्लोजर वो ले सकता है, जो नहीं लेना चाहते वो सेक्टर का नाम ले सकते हैं, तो उस पर हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। संजय जी, आपसे शुरुआत करते हैं, 2024 का पीएसयू का सबसे बढ़िया सेक्टर कौन सा है जो आपको पसंद है? तो देखिए, मुख्यतः तीन होंगे। एक तो जैसा कि मैं कुछ देर पहले भी कह रहा था, पावर क्षेत्र की जो कंपनीज हैं, हाँ, उनमें चूंकि पीएसयू उसका बोलबाला ज्यादा है जेनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये एक सेक्टर है जहां पर मुझे लग रहा है कि वर्ष 2024 में काफी लोगों का इंटरेस्ट होगा। फंडामेंटल रीजंस तो होंगे ही, और अंडर ओनरशिप भी एक कारण बन सकता है कि लोग इस सब सेक्टर में पैसा लगाए। दूसरा जो कंटिन्यूइंग थीम मैं समझता हूँ रहेगा, वो रहेगा रेलवे से संबंधित, क्योंकि एक तो एलोकेशन रेलवे को बजट के द्वारा बहुत ज्यादा है, और जिस तरह के उनके डायनेमिक मिनिस्टर हैं जिनका कि ट्रैक रिकॉर्ड एग्जीक्यूशन पर बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल से ऑर्डर इनफ्लोज एग्जीक्यूशन ये दोनों कारणों के कारण रेलवे एक ऐसा सेक्टर रहेगा जो कि पब्लिक सेक्टर में बेनिफिशियरी रहेगा। और तीसरा मैं समझता हूँ कि मिनरल्स और मेटल का क्षेत्र अगर आप देखें तो वहां भी पीएसयू का डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2024 में अगर इकोनॉमिक रिकवरी वर्ल्ड वाइड होगी तो कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो मेटल्स और मिनरल्स से संबंधित पीएसयूज हैं वो भी इसके बेनिफिशियरी होंगे। तो ये तीसरा सेक्टर है जो कि मुझे लगता है कि बेनिफिशियरी रहेगा। कहने को तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी रहेंगे, लेकिन मतलब जैसा कि हमने देखा कि वर्ष 2023 में पब्लिक सेक्टर इंडेक्स ने तो 80% का रिटर्न दिया, लेकिन अगर आप पीएसयू बैंक इंडेक्स का देखें तो उसका रिटर्न 30% का रहा। इंडिविजुअल बैंक्स के रिटर्न्स में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुख्यतः पावर, रेलवेज और मिनरल्स एंड मेटल्स, ये तीन सेक्टर्स हैं जहां पब्लिक सेक्टर का बोलबाला रहेगा। मिनरल्स और मेटल्स में 22 जनवरी के आसपास बिड्स के लिए रिक्वेस्ट मांगी गई है, जो जो रेयर अर्थ लिथियम इनकी माइनिंग की जानी है, तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है, और अर्जेंटीना में भी कुछ माइंस वाइंस खरीदने की बात चल रही है। तो ये एक सेक्टर था जिस पर ध्यान रखिएगा भाई, जो जो जमीन वमीन से जुड़ी हुई कंपनीज हैं। एक बात आपने जो अभी कही ना सर, उसमें मुझे अश्विनी वैष्णव जी का मैं प्रेजेंटेशन सुन रहा था, उन्होंने बताया था कि 5G रोल आउट में भारत सेकेंड या थर्ड फास्टेस्ट कंट्री है। बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाया, इंडिया ने इतनी तेजी से 5G रोल आउट किया, तो ये एग्जीक्यूशन का कमाल तो हमारे यहाँ देखने में दिख रहा है। मेरे सर, आपको क्या पसंद है? आपने एक ही सेक्टर पूछा है मेरे ख्याल से। नहीं, एक दो भी बता सकते हैं। अच्छा। तीन भी बता सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप स्टॉक भी बता सकते हैं। नहीं, जैसे जैसे हमने कहा अभी तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी लग रही है, लेकिन मैं अगर वैल्यूएशंस और सबका कॉम्बिनेशंस करके देखूं तो काफी सारी जो पीएसयू कंपनीज हैं उसमें लो फ्लोटिंग स्टॉक वाली कंपनीज हैं। ओके, तो उसमें काफी ज्यादा स्पेकुलेशन हो चुकी है मेरे ख्याल से, तो वो मुझे थोड़ा रिस्की सेगमेंट लग रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो वो मैं अलग रखूंगा। बट एज अ लॉन्ग टर्म थीम मुझे लग रहा है कि जो डिफेंस में हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो आई थिंक फर्स्ट टाइम है, तो उसकी जो अपसाइड है अभी भी क्वांटिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, दूसरी है नई टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब करके न्यू प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करने हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड थर्ड इज एक्सपोर्ट्स। तो डिफेंस में तो आई थिंक हमने अभी बेरली शायद स्क्रैच द सरफेस किया है। Exactly. और ये थीम जो है ये मल्टी ईयर एक लॉन्ग टर्म थीम बन सकती है। तो और इसमें जो स्टॉक्स है उसमें शायद फ्लोटिंग स्टॉक थोड़ा बेटर है, तो मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशंस है वो मोर मार्केट लिंक्ड है, नॉट यू नो फ्रॉथी वैल्यूएशंस आई वुड से, स्पेकुलेटिव वैल्यूएशंस।
तो ये एक मुझे लगता है मल्टी ईयर थीम में आई वुड अमंगस्ट ऑल द सेक्टर्स आई वुड प्रेफर दिस थीम डिफेंस. और दूसरा, और दूसरा टैक्टिकली मेरे ख्याल से बैंकिंग में भी अभी थोड़ा वैल्यूएशन कैचअप बाकी है, बट मुझे लगता है ये टिपिकली साइक्लिकल रहता है, तो शायद ये 5 साल की स्टोरी नहीं है, शायद ये 1 साल की स्टोरी है बैंक वाली. बैंक, तो बैंक में बड़े वाले बैंक या छोटे वाले बैंक, सरकारी वाले? देखिए बड़े वाले बैंक अगर आप नोटिस करें ये मार्केट भी काफी स्मार्ट है. जो कैचअप हुआ है पीएसयू का, काफी वैल्यूएशन कैचअप हुआ है, तो उसमें जो सबसे सस्ती थी पीएसयू बैंक 2023 के बिगिनिंग में, वो सबसे ज्यादा चली है. जो पीएसयू बैंक सबसे बड़ी बैंक जो है वो पहले चल चुकी थी, वो इतनी नहीं चली है. वो नहीं चली, करेक्ट. तो ये वैल्यूएशन आर्बिट्राज था. मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रक्चरली मैं कहूंगा कि पीएसयू बैंक्स विल डू बेटर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये मैं नहीं कहूंगा. अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि बैंक वाली और डिफेंस वाली, तो एक बहुत बहुत प्रॉम्प्ट क्वेश्चन लोग इस समय सोच रहे होंगे कि ऐसा मेरे सर ने बताया डिफेंस, यार डिफेंस वाले बहुत चल चुके हैं. ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने उधर से आएगा जो मैं पूछ रहा हूँ उनकी तरफ से. तो डिफेंस में तो सारे स्टॉक इतने भाग चुके हैं कि उनको देखते लगता है अरे यार ये तो कितने वैल्यूएशन हो गए, उसकी कोई चिंता करनी नहीं चाहिए. इसलिए मैंने कहा जो लो फ्लोटिंग स्टॉक्स वाले, लो फ्लोटिंग वाले जो है उसमें काफी फ्रॉथ है, तो वो रिस्की जोन में जा रहा है. लेकिन ये जो बड़ी डिफेंस कंपनीज है विद इन द स्पेस, ऑफ कोर्स दे आर नॉट मेगा कैप्स बट लार्ज मिड कैप्स हैं, या तो मोर टुवर्ड्स द लार्ज कैप्स हैं, वहां पे मेरे ख्याल से अभी भी रनवे है ग्रोथ का. और जैसे हमने कहा, मैंने जैसे कहा कि ये अभी तो 2-3 साल में ही शुरू है इनिशिएटिव, तो उसका कोई पीछे का रेफरेंस पॉइंट नहीं है हमारे पास. करेक्ट. तो ये ग्रोथ उम्मीद से ज्यादा भी आ सकती है, यू कैन सी अपवर्ड रिविजन इन द एस्टिमेट्स. और वो जैसे जैसे नतीजे आएंगे, एग्जीक्यूशन होगा, तो मल्टीपल अपने आप एडजस्ट हो जाएगा. प्रकाश सर, आपको क्या पसंद है, क्या सबसे अच्छा? आप तो स्टॉक का नाम भी ले सकते हैं सर. प्रकाश सर, बढ़िया वाला जो पीएसयू आपको सही लगता है वो बताइए, सेक्टर भी बताइए. नहीं तो सेक्टर तो आई थिंक ऐसा कोई मुझे पीएसयू सेक्टर दिख ही नहीं रहा जहां पे ग्रोथ अभी भी नहीं होगा. सो जैसे हमने कहा ये साल शुरुआत थी ग्रोथ की, और ये ट्रेंड कम से कम 5-7-8-10 साल वाला रहता है अनिल भाई. और जो आपने कहा ना कि ये जो इतनी ऑर्डर बुक है तो क्षमता कैसे ये डेवलप करेगी, उसपे मैं एक ही चीज सांत्वना देना चाहूंगा दर्शकों को कि चिंता उस चीज की ना करें कि ऑर्डर बुक अगर 8 गुनी है 7 गुनी है तो ये कैसे होगा, क्योंकि इनका जो वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो इकोसिस्टम है, वो सारा अब धीरे धीरे करके ढाला जा रहा है, जगह में पड़ रहा है. उससे होगा क्या कि ये आप आईपीओ में देख रहे हैं, इतने सारे नए आईपीओ आए, बेशक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के हो, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कोई ताल्लुकात कोई पीएसयू क्लाइंट से है, चाहे डिफेंस में हो या पावर में हो या रेलवेज में हो. तो जैसे आपने वो कवच की बात की, तो वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी 8-10 साल से जूझ रही ये सब काम करते, अब जाके उनको कामकाज आना शुरू हुआ है. तो ये सब जो डेवलपमेंट हुआ है इससे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप होगा, और जैसे मैंने पहले कहा एनेबलर है पीएसयू, और आगे चल के ये ग्रोथ बहुत बड़े पैमाने पे छोटी छोटी कंपनीज को भी मिल सकेगी, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत रहेगी. हाँ, एक अगर स्टॉक मुझे कोई चुनना हो, क्योंकि सेक्टर तो संजय जी ने वीर ने बहुत अच्छी तरह आपको बताया कि जहां जहां पॉजिटिविटी है, एक कंपनी जो थोड़ी सी डिस्कशन कम होता है, कम नहीं होने का कारण ये है कि कोई बड़ा ग्लैमरस बिजनेस नहीं है, वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब मुझे ये कंपनी पसंद क्यों है उसका रीजन बताता हूँ. जैसे मैंने दिवाली से पहले हमने बातचीत की थी, कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन भी किया था, तो आईओसी का नाम लिया था. आपको याद हो तो आपने यही शो पे एक बार पूछा था दिवाली से पहले कि भाई ऐसी चीज अगले दिवाली तक रखनी है. अब उस टाइम मैंने टारगेट 121 का तो दे दिया, तो मैं ये नहीं जानता था कि वो 90 से 121 इतनी जल्दी मार्केट उसको रीरेट कर देगा. तो यही चीज आपको इस टाइप की रीरेटिंग जो है ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मिलेगी, क्योंकि इतने साल से इन्होंने एक बड़ा बोरिंग काम किया कि पाइपलाइन बना के रख दी कि भाई जहां गैस आती है बाहर से वो गैस लेके हम जहाँ पहुंचानी है, चाहे वो फर्टिलाइजर प्लांट हो, पावर प्लांट हो, सब जगह पहुंचा देंगे. सरकार जो पहल ग्रीन हाइड्रोजन में कर रही है ना नीरज भाई, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को छोड़ के किसी की क्षमता नहीं है उसको एक जगह से दूसरी जगह यूजर एंड पे पहुंचाने की. जिस दिन ये कमर्शियली शुरू हो जाएगा और आप इसका जलवा देखेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है इनके पास, इसको सिर्फ थोड़ा सा ट्वीक करना है, तो आपको इस कंपनी का स्केल और मार्जिन इस टाइप के दिखने लगेंगे जो अंदाजा अभी नहीं लग रहा है. तो ये एक जिसको कहते हैं ना जायंट वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड है. मेरे हिसाब से इस साल 2024 में अगर कोई पैसा मैं लगाना चाहूंगा, एज अ डिस्क्लेमर ये बता रहा हूँ कि हमारे क्लाइंट्स को भी इन्होंने रिकमेंड यही किया है कि इसको आप कम से कम 3 साल के नजरिए से लीजिए, पर हो सकता है इस साल आपको
इसमें एक री रेटिंग जो है वो बनती हुई दिखेगी फ्रॉम द करंट लेवल्स। और कोई गेल सर एक बात बताऊं, मैं तो सोच रहा था कि ऑयल का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा है, मतलब मेरा फेवरेट सेक्टर है जो मैं ट्रैक करता हूं, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। IOC, BPC, HPC, चेन्नई पेट्रोलियम देखिए आप, कभी सोच सकते थे कि वो 700 रुपये का स्टॉक हो जाएगा और वो 700 रुपये पहुँच गया, क्या जबरदस्त रैली बनी। मजे की बात देखिए, ONGC जिसके लिए ऑयल का सस्ता होना नेगेटिव मानते हैं लोग, वो भी चल रहा है, ऑयल का प्राइस $75 हो जाए तब भी चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत बड़ा उन्होंने एसेट क्रिएट किया है और हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक थे ऑयल वाले जहां पे रैली बनी। तो आपने सही कहा कि 130-132 तो शायद हो ही गया है उसी। और कोई नहीं पसंद आपको ऑयल में या किसी और सेक्टर में? नहीं मतलब अगर एक ही चीज चुननी हो तो मैं तो अभी तो ये कर रहा हूं, बट जैसे रेलवे में बैठू मिलने का प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, आपको इतनी सारी चीजें दिखने लगेंगी डिफेंस में रेलवे में कि आपका प्रोग्राम में मतलब एक दो स्टॉक की जगह वो नहीं। इसके लिए कभी स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन के लिए थोड़ा सा समय और निकाल के हम करेंगे प्रोग्राम, बेशक साल शुरू हो जाने वाली है। शुभम शीघ्रम अगले हफ्ते हम ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराते अपने दर्शकों को, अगले हफ्ते एकदम स्टॉक स्पेसिफिक शो होगा कि नए साल में हम लोग क्या खरीदें, तो 10-12 स्टॉक रेकमेंड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक आइडिया है गेल, जहाँ पे रख सकते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त सरकारी कंपनी है और इन्होंने वाकई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया पाइपलाइन का जिसका कोई जवाब नहीं। गौरव जी आपको क्या पसंद है? आप तो सर 2-3 बताओ ना बढ़िया बढ़िया PSUs, हम लोग तो ये ढूंढते लोग पूछते हैं सब सब महंगे हो गए, बताइए आप क्या पसंद है आपको, ये सेक्टर भी पसंद हो वही बताइए। देखिए जो थीम अभी डिस्कस की है सभी पैनलिस्ट में तो मैं सहमत हूँ कि वो थीम्स रन करेंगी, लेकिन कहीं पे जब हो जाता है कि यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो कितना फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा, बात सिर्फ वहाँ पे आ जाती है। तो ये सारी चाहे आप PSU की थीम्स कीजिए, डिफेंस की, या आप बात कर लीजिए बैंकिंग की, या बात कीजिए रेलवे की, मुझे लगता है यहाँ पे और आपको अपसाइड देखने मिलेगा। और जैसे प्रकाश जी ने भी कहा गेल के बारे में, तो गैस अथॉरिटी हमने भी एज अ डिस्क्लेमर अपने क्लाइंट्स को दिलवाया है और काफी अग्रेसिवली हमने दिलवाया है, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन के बाहर आया है तो ये हमारा भी रडार पे है। तो जो ये 2023 था ये एक वैल्यू स्टॉक्स के एक साल आप कह सकते हैं, इट वाज अ ईयर ऑफ वैल्यू स्टॉक्स। 2024 जो है वो मुझे लगता है साइक्लिकल और कमोडिटी लिंक स्टॉक्स जो है उसके लिए रहेगा। तो यहाँ पे गेल जो है वो मुझे लग रहा है काफी इसमें एक बेहतरीन पिक है, तो मैं सहमत हूँ प्रकाश जी के साथ में। दूसरी जो थीम है जो अभी फिलहाल उस पर चर्चा नहीं हुई है, एक संजय जी ने ऊपर से एक टचअपन किया था, वो है माइनिंग का। देखिए एक आप चाहे डिफेंस की बात कर लीजिए, चाहे अगर आप रेलवेज की बात कीजिए या पावर की बात कीजिए या और कोई एक थीम की और कोई स्पेस की बात कीजिए, यहाँ पे सबसे पहला आता है गवर्नमेंट का इंटेंट, फिर आता है उसका पॉलिसी फ्रेमवर्क, फिर आता है एग्जीक्यूशन। तो आपको पहले दो चीजें आपको देखने मिल चुकी है। अब हम सवाल कर रहे थे कि चर्चा ये थी कि एग्जीक्यूशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सिमिलरली मुझे लगता है कि जो माइनिंग है यहाँ पे भी आत्मनिर्भरता है वो काफी जरूरी है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। और जैसे आप सभी ने भी चर्चा भी की थी कि अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर या स्पेसिस में ये जो है सबसे बड़ी दिग्गज कंपनीज है, तो यहाँ पे इनका इंफ्रा काफी अच्छा है, इनकी रीच काफी अच्छी है, इनकी एक्सपर्टीज काफी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि माइनिंग जो है एज अ थीम दैट विल बी द थीम जो PSU के अगर देखा जाए तो अगली जो थीम आएगी वो माइनिंग में काफी अच्छा आपको देखने मिल सकता है। तो पिछली बार जब हमने चर्चा की तो NMDC में की थी अराउंड 160 के आसपास में, हमारे टारगेट्स काफी बड़े थे लेकिन एक अच्छी अपसाइड हमको ऑलरेडी देखने मिल चुकी है, 200 के पार जा चुके हैं। तो कोई थोड़ा भी अगर करेक्शन अगर आता है तो आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा जो है इसी स्पेस के अंदर जो है वो है MOIL मैंगनीजोर, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको यहाँ पे भी देखने मिला है, एक 12-13 साल का कंस्ट्रक्शन के बाहर निकला है, वॉल्यूम काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, और अगेन ऐसे जिसमें हमने क्लाइंट्स को MOIL भी दिलवाया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि माइनिंग थीम पे अगर कोई प्ले करता है तो ये MOIL हो गया, NMDC हो गया, ये काफी एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले बनते हैं। GMDC की बात आती है लेकिन वो ऑलरेडी मूव कर चुका है। तीसरा जो नाम रहेगा वो है हिंदुस्तान कॉपर का, वो भी हमने हफ्ते भर पहले क्लाइंट्स को दिलवाया था, काफी अपसेट आ चुकी है। तो कोई करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर कैन ऑल्सो बी ऑन रडार। कॉपर एज अ थीम मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप मेटल्स की बात कीजिए, कमोडिटी की बात कीजिए, तो सबसे ज्यादा उमदा सबसे ज्यादा बड़ी अपसेट जो मुझे लग रही है वो कॉपर के अंदर लग रही है। मैं कॉपर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, कॉमेक्स पे जो ट्रेड होते हैं तो वहां पे भी एक अच्छा लग रहा है। तो एक कॉपर इटसेल्फ इज लुकिंग वेरी गुड, दूसरा PSU थीम एक अच्छा लग रहा है, और तीसरा अगर आप इसके ओवरऑल चार्ट देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर के तो वो काफी अच्छे लग रहे हैं। तो एक माइनिंग एज अ थीम पे है जहाँ पे हमने क्लाइंट्स को हमने पोजीशंस बनवाई भी है और अभी भी दिलवा रहे हैं। ओके, तो माइनिंग एक और थीम है जहाँ पे कई सारे स्टॉक्स के नाम गौरव ने लिए हैं और हमारे सारे मेहमानों ने जो भी सेक्टर या स्टॉक्स लिए हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि आप इसमें कोई भी एक्शन करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, खुद भी पढ़ाई करें, देखें समझें।
इसलिए हम लोग बार बार डिस्क्लेमर देते हैं कि बाई सेल रिकमेंडेशन या डिस्कशन के लिए हम लोग उनकी है, बाकी जिन्होंने सीधे सीधे बताया है उन्होंने अपना डिस्क्लेमर इसमें जरूर दिया है। नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। 10 सेकंड बताइए क्या प्लान है आपका नए साल का? नए साल तो फैमिली के लिए होता है, नॉर्मली हम घर पे रहेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स ट्रैफिक में कहां जाएंगे? अरे ये तो ऐसा वीडियो डाल के लोगों ने डरा दिया सबको। गौरव भाई किधर जा रहे हो आप, या क्या प्लान है नए साल का? देखिए पहले ही जाके आ चुके हैं तो पोजीशन हमने पहले ही बना ली थी, बीवी बच्चों को घुमा लिया है, अब थोड़ा घर पे रहे। ये स्मार्ट मूव है, पहले ही खत्म, नए साल की पार्टी पहले हो गई। प्रकाश जी क्या क्या प्लान है, कहाँ जाएंगे? घर पे रहेंगे, पिक्चर देखेंगे, क्या करेंगे? नहीं नहीं घर पे, आपको तो पता है मैं कहाँ रहता हूँ, तो वो वहाँ से बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, घर पे हमारे आसपास ही पार्टी हो रही होती है। संजय जी क्या प्लान है? दोस्तों के साथ, हमारी धर्म पत्नी मायके से 14 दिन के बाद लौट भी रही हैं, तो वो भी एक सेलिब्रेशन का कारण है। ये शो देख रही होंगी वो जरूर से। तो चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और वेल्थ बनाइए, लेकिन सबसे जरूरी है हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे वेल्थ नहीं बनेगी। तो हम सबसे हमेशा यही करते हैं कि वेल्थ के साथ हेल्थ पे फोकस करिए, और 2024 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। और आवाज़ के साथ आप जुड़े रहिए, ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम और स्टॉक आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे, और जल्द ही स्टॉक वाला शो भी हम लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।